दोस्तों अब मैं हूँ नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी नैना पीक पे, जैसा आपको मैं बता चुका हूँ, तो आपको दिखाता हूँ नैनीताल का खूबसूरत नजारा। देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत। नैनीताल आए तो नैना पीक आना ना भूले दोस्तों, सबसे अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये आपके लिए, जहाँ से आपको पूरा नैनीताल और पूरा हिमालय व्यू दिखाई देगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं सफर नैना पीक का, चलिए। दोस्तों नैनीताल से नैना पीक की दूरी है 6 किलोमीटर, जिसमें से 3 किलोमीटर आप अपनी गाड़ी के द्वारा पहुंच सकते हैं और पहुंचेंगे आप टंकी बैंड, जहां से आपको एक रास्ता ले जाएगा पंगोर की तरफ और दूसरा जो ट्रैक का रास्ता है वो ले जाएगा आपको 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई के बाद आप पहुँचेंगे नैना पीक। तो हम अभी हैं मल्लीताल मार्केट में दोस्तों, यहाँ से हम चलते हुए जाएंगे 3 किलोमीटर, फिर पहुँचेंगे टंकी बैंड, फिर वहाँ से ट्रैक शुरू होगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नैना पीक की ऊंचाई को फतह करने। इन खूबसूरत वादियों के बीच से गाड़ी चलाने का अपना ही आनंद है दोस्तों, आप भी आइए नैनीताल और आनंद लीजिए इन खूबसूरत वादियों का और आइए नैना पीक। यहाँ से लेफ्ट में आपको दिख रहा है ये जाता है सीधे पंगोर की ओर और ये है रास्ता आपका नैना पीक की ओर। आइए तो चलते हैं नैना पीक की ओर। यहाँ पे इसकी ऊंचाई लिखी है इतनी 2200, तो ये है 2611 है उसका नैना पीक का। इसी रास्ते का दोबारा बताएं, कभी भी आए इसी रास्ते से आए, बोर्ड लगाए तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ बहुत घना जंगल है तो जंगली जानवरों का भी काफ़ी रहता है, तो जब भी आप आएँ तो 4-5 के ग्रुप में आएँ, अकेले ना आए ऐसी जगहों पर, सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, और आनंद ले इस प्रकृति की खूबसूरत वादियों का। वादियों इन वादियों में। तो दोस्तों बढ़ चले हम नैना पीक की ऊंचाई को छूने, जहाँ से खूबसूरत नैनीताल और पूरा 360 डिग्री हिमालय व्यू, नेपाल का अप्पी पर्वत से लेके पूरा हिमालय बेल्ट दिखाई देता है। तो लगभग 1.5 घंटे की खड़ी चढ़ाई है, उसके बाद हम पहुँचेंगे नैना पीक, जिसकी ऊंचाई अराउंड 2611 मीटर है, जो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी मानी जाता है। हेलो दोस्तों, अभी हम ज़रा सा रेस्ट कर रहे हैं, बस पहुंच चुके हैं, बस देखिए उस ऊंचाई पर हमें जाना है, बस मेरे ख्याल से 10-15 मिनट का और बचा हुआ है ट्रैक। मौसम काफ़ी ठंडा है, 5-6 डिग्री के आसपास है, जुकाम भी लग गया मुझे ठंड की वजह से, लेकिन आपका दोस्त ब्लॉग बनाना नहीं भूलेगा। और कुछ देर में हम पहुँच के आपसे मिलते हैं नैना पीक टॉप। तो दोस्तों लीजिए, आखिर वो पल आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए हम 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ के पहुंचे हैं नैना पीक,
और यहाँ से दिखेगा खूबसूरत नैनीताल का दिलकश नज़ारा। तो आइए दोस्त देखते हैं नैनीताल। देखिए खूबसूरत नैनीताल, नैना पीक की ऊंचाई से देखते हैं आप। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी पर अभी हूँ मैं इस वक्त, और यहाँ से जो नैनीताल का पूरा व्यू नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं, खुरपाताल तक दिख रहा है मुझे यहाँ से। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी पे, जो है नैना पीक, 2611 मीटर की ऊंचाई पर है। तो आप देख रहे हैं मेरे नीचे खूबसूरत नैनीताल का नज़ारा। इस चोटी से जो आपको व्यू दिखता है दोस्तों, वो किसी और चोटी से नहीं दिख सकता, ना कैमल्स बैक मेरे यहाँ पर है, वहाँ से नैनीताल काफ़ी छुप जाता है, पूरा दिखाई नहीं देता। तो आप यहाँ नैना पीक की जो ऊंचाई से देख रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल नीचे खाई है, और नीचे देख रहे हैं, नीचे बिल्कुल खतरनाक खाई है, और सामने देखिए खूबसूरत नैनीताल। मतलब ये जो व्यू है आपको कहीं और से नहीं मिल सकता, सिर्फ नैना पीक की ऊंचाई से ही आपको नैनीताल की ऐसी खूबसूरती दिखाई दे सकती है दोस्तों। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, आप नैनीताल का खूबसूरत नज़ारा। तो कैसा लगा ये ब्लॉग जरूर बताएं दोस्तों। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस, यहाँ पर फॉरेस्ट के गार्ड रहते हैं, जो वन्य जीव और अराजक तत्वों से जंगल को बचाते हैं। यहीं पर कुछ देर हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे नैनीताल की ओर। ये पुराना से एक गेस्ट हाउस और है, लेकिन ये अब खंडहर हो चुका है। तो यहाँ चाय और मैगी मिल जाएगी आपको, आप कभी भी आए तो बस हम चाय मैगी खा के निकलते हैं। ये है छोटा सा, चाय मैगी मिल जाएगी आपको, और यहाँ रेस्ट करके हम निकलेंगे नैनीताल की ओर। तो दोस्तों अभी हम मज़ा ले रहे हैं मैगी का और चाय का, उसके बाद चलेंगे नैनीताल की ओर। मेरे साथ है किशन। इतने चढ़ा के बाद भूख लगी और मैगी मिल जाए तो क्या बात। तो दोस्तों अब हमें नैना पीक में, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं पूरा नज़ारा, और चाय और मैगी आपको यहाँ मिल जाएगी। फॉरेस्ट का है, ये टूरिस्ट आते हैं तो इतनी हेल्प करते रहिए, आप चाय और मैगी यहाँ खा सकते हैं। बाकी पानी आपको कैरी करके लाना पड़ेगा, क्योंकि पानी यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो आपको नीचे से ही पानी की बोतल लेके ट्रैक पे आना पड़ेगा नैना पीक के। तो कभी भी ऐसे ट्रैक पर आइए दोस्तों, तो हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ खाने का सामान, कुछ काजू किशमिश बादाम, प्लस पानी जूस एनर्जी ड्रिंक्स, ताकि आप तभी इतनी हाइट पे आते हैं तो भूख लग जाती है, कुछ खाने को अगर ना मिले तो बड़ी दिक्कत है, इसलिए अपना फूड खुद कैरी करके लाएँ, वरना एक ऑप्शन है अगर ये होंगे तो ये चाय और मैगी आपको उपलब्ध करा दी। बाकी तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं वापस नैनीताल की ओर। अब पूरा यहाँ से टांकी मैंट तक आपको रोड तक डाउन ही डाउन है, ज़्यादा चढ़ाई कहीं नहीं है, तो आपको दिक्कत नहीं है जाते इसमें, सिर्फ ऊपर आते इसमें चढ़ाई बहुत है, जाते इसमें तो आपको डाउन ही डाउन मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम पहुँचने वाले हैं अपने मंजिल पर,
तो यहीं पर मेरा ब्लॉग खत्म होता है दोस्तों। कैसा लगा आपको नैनीताल का खूबसूरत नज़ारा और प्लस ये नैना पिक का ट्रैक? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कीजिए ताकि मुझे पता चल सके कि मेरे वीडियो में और क्या कमियाँ हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा वीडियो और मुझे हौसला दीजिए आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। और मेरे साथ है किशन, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, सी यू, सायोनारा।